हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी बढ़िया न्यूज़ निकल कर गई आई है सैमसंग स्मार्टफोन के लिए। आप वीडियो को देख करके तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर एम सीरीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सैमसंग ने एम सीरीज़ के अंदर जो एंड्रॉयड 11 बेस्ड वन यू आई 3.1 का जो ऑफिशियल स्टेबल अपडेट है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप सबको मालूम होगा कि सैमसंग की एम सीरीज़ में से ऑलरेडी काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स को जो अपडेट है वो मिल चुका है, बट वो वन यू आई 3 है, वन यू आई 3.1 अभी तक किसी स्मार्टफोन में नहीं आया था एम सीरीज़ के। एंड मेरे हिसाब से ये फर्स्ट एम सीरीज़ का स्मार्टफोन है जिसको वन यू आई 3.1 का जो अपडेट है वो मिला है। एंड यहाँ पर जो वन यू आई 3.1 का अपडेट है वो आप देख सकते हैं, इसका जो कम्प्लीट स्क्रीनशॉट है वो मैं यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में मुख्तार ने शेयर करी है हमारे इंस्टाग्राम पर, लगभग 2 GB के आसपास की हमें अपडेट फाइल देखने को मिल जाती है, जहाँ पर कि इसको इंस्टॉल करने के बाद में वन यू आई 3.1 का जो अपडेट है वो हमें देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सैमसंग का वन यू आई 3.1 है, मैं इसका कंप्लीट इन डेप्थ रिव्यू लेकर आने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बिल को टर्न ऑन करके रखें। दो पार्ट होंगे मे बी, बिकॉज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, तो दो पार्ट्स में मैं जो हूँ वीडियो को अपलोड कर दूंगा एंड बताऊंगा क्या वन यू आई 3.1 के अंदर हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं और क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वन यू आई 2, 2.5 या फिर वन यू आई 3 के कंपेरिजन में। एंड यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा वन यू आई 3.1 में जो सिंगल टेक इसका कैमरा का फीचर था सैमसंग ने उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। साथ ही साथ जो नाइट मोड है सैमसंग ने उसको भी इंप्रूव किया गया है। एंड जो वन यू आई 3 में जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो इम्प्रूव कर दी गई है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो सैमसंग का ये वाला डिवाइस है सैमसंग M31S, इस स्मार्टफोन के अंदर जो इमेज सेंसर है वो मेरे ख्याल से 48 मेगापिक्सल का है, जो कि काफ़ी सही फोटो कैप्चर करता है। सैमसंग का खुद का सेंसर है वो। एंड यहाँ पर जो A50 के अंदर हमें सेंसर देखने को मिलता है 25 मेगापिक्सल का, तो वो जो सेंसर है वो इतना ज़्यादा बेटर जो है इमेज को कैप्चर नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदी नॉइज़ आ जाती है। वेल जो है सो यहाँ पर ओवरऑल बेटर है सैमसंग के गलेक्सी A50 के कंपेरिजन में सैमसंग के गलेक्सी M31 का कैमरा, M31S जो है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में जो आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस वो भी इनहेंस हो गई है। हालांकि ये एक कोर वर्जन है और यहाँ पर फर्स्ट टाइम अभी तक ये सैमसंग एक फर्स्ट स्मार्टफोन है एम सीरीज़ में जिसमें वन यू आई 3.1 के साथ में जो कोर वर्जन है बेसिकली वन यू आई 3.1 का उसको रिलीज़ किया गया है। एंड यही था आज की इस वीडियो में, ज़रूर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे कोई नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं आए मेरे पास, बट अगर आते हैं तो फिर मैं आपको बता दूंगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लें, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।